अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम बिजी वाली सरकार। आज की ये जो वीडियो है मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पर अनएडिटेड होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर वीडियो शायद जल्दी बना देता लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटीए के रिलेटेड और उनकी डेडलाइन के रिलेटेड। बेसिकली आज 1 दिसंबर है, जिसका मतलब ये है कि आज पीटीए ने जो डेडलाइन दी है उसका आखिरी दिन है। और अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके अंदर सिम कार्ड डाल लें और उससे या तो कॉल कर लें या एसएमएस कर लें, ताकि वो मोबाइल फ़ोन आपके नंबर के ऊपर रजिस्टर हो जाए और वो जो नॉन कम्प्लाइंट वाला इशू है वो उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ना आए। क्योंकि आज के दिन के बाद जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आप खरीदेंगे जो कि नॉन कम्प्लाइंट थे, वो बंद कर दिए जाएंगे और पाकिस्तानी नेटवर्क्स उसके ऊपर नहीं चलेंगे। अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पीटीए ने इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी मुश्किल बना दिया है, और एक जो बंदा है वो 1 साल में 5 जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो रजिस्टर करवा सकता है अपने नाम के ऊपर। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और अपने साथ मोबाइल फ़ोन्स लेकर आ रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके नाम पर 1 साल में सिर्फ 5 मोबाइल फ़ोन रजिस्टर हो सकते हैं। आप मार्केट से जाकर कंप्लाइंट मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उनमें इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ख़ुद लेकर आ रहे हैं या किसी दोस्त के थ्रू मंगवा रहे हैं, तब ये मसला आपको आ सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं अपने साथ, तो आपको किसी किस्म के कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एक टाइम में मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर ही आपको जो मोबाइल फ़ोन की रजिस्ट्रेशन है वो करवानी पड़ेगी, और उसके बाद ही जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो पाकिस्तानी नेटवर्क के ऊपर काम करेगा। अब पीटीए ने इसकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमें ये जो डेडलाइन है काफ़ी टाइम से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हर दफ़ा डेडलाइन दी जाती है और उसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि ये डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, इसको शेयर कर दें, क्योंकि आज के दिन के बाद अगर आपने किसी मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर नहीं करवाया तो वो ज़ाया हो सकता है। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नॉर्मल वीडियो से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं बनाना इसलिए चाहता था ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।